आज हम बात करेंगे बाइनोमियल नामन क्लेचर। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। जो बाइनोमियल नामन क्लेचर है, ये स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस ने जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि ये एक मेथड है कि जिसमें हम जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको साइंटिफिक नेम दे रहे होते हैं, और जो फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा उसकी जीनस का होता है, और जो सेकंड नेम है वो स्पीशीज़ का होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखने का रूल्स क्या है। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट वन जो रूल है वो ये है कि जब आप प्रिंटेड फॉर्म में, जब आप यानी कि अपने पीसी वगैरह पे, मोबाइल्स वगैरह में जब आप जो है वो साइंटिफिक नेम राइट डाउन कर रहे होते हैं, तो उसको आप इटैलिक्स लैंग्वेज में करते हैं, जिस तरह से देखें होमोसैपियन लिखा हुआ है, और जब आप उसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करें। और सेकंड क्या है कि जो जीनस का नेम होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो स्पीशीज़ नेम है उसको हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसका जो स्टार से हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है, और जो साइंटिफिक नेम है उसको हम आम तौर पे कंप्लीट लिख रहे होते हैं जब हम उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड टाइम लिखते हुए बस हम उसका जो जीनस नेम है उसको हम एब्रीवेट कर देते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से जैसे ये एग्जांपल में दिया गया एशेत्रिया कुलाई। ठीक है, इसमें देखें हमने इसको जब ये एक ही आप एक टॉपिक लिख रहे हैं उसमें अगर ये टू टाइम आ रहा है तो आप उसको ई कोलाई करके लिखेंगे। तो ये थे बाइनोमियल नामन क्लेचर के रूल्स। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।